अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफर रफीक और आप लोग देख रहे हैं रिवायतों की लज़त ईद स्पेशल। आपको पता है वैसे तो हर ईद में हम लोग बहुत फेस्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, सेलिब्रेशन होती है, लेकिन कोई भी सेलिब्रेशन कभी भी खाने के बगैर जो है वो पूरी नहीं होती, खाने के बगैर अधूरी होती है। और हमारी रिवायतें इतनी खूबसूरत हैं, इतने मज़े के खाने हैं, इतने मज़ेदार रिवायती खाने हैं हमारे पास कि हमें किसी और कुज़ीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्पेशली जब हम ईद की बात करते हैं तो हम अपने खसूसन रिवायती खानों की तरफ ज़्यादा आते हैं। और आपको पता है बकरा ईद जिसको हम ईद उल अज़हा भी कहते हैं, इट्स ऑल अबाउट मीट, गोश्त, रेड मीट, और रेड मीट से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या होता है। और अगर एट द एंड ऑफ द बकरा ईद अगर आपके घर में बारबेक्यू पार्टी ना हो तो वो बकरा ईद ही नहीं लगती। फिर एक बस एक चीज़ है, हमारी रिवायत है, ये हमारी खूबसूरत रिवायतें हैं, उनको हम दोबारा उजागर करने, उनको दोबारा रिवाइव करने और एक आपको एक फ्रेश फीलिंग देने के लिए आज का स्पेशल शो लाए हैं। आज आप बड़ी स्पेशल चीज़ें सीखने वाले हैं और वो स्पेशल चीज़ें वैसे तो हमारी रवायती चीज़ें हैं, लेकिन अब हम उनको कैसे बनाएंगे और कैसे कन्वीनियंटली बना सकते हैं हम उस पर बात करेंगे। हमारे पास हमारी बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही एक्सपर्ट कुकिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं, फातिमा अज़हर। फातिमा प्लीज कम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई एम गुड। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप अपनी पोजीशन पे आ जाइए ताकि मैं फिर अपनी पोजीशन पे आ जाऊं। बिल्कुल जी। फातिमा, आज हम रवायतों की लज्जत में अपनी कौन सी रवायती डिश को दोबारा बना रहे हैं? जहाँ बात होती है बकरा ईद की, तो जैसी कुर्बानी होती है सबसे पहले क्या चीज घर में आती है आप मुझे? कलेजी। बिल्कुल। तो आज हम सबसे पहले मटन की कलेजी बनाएंगे। अच्छा, पता है मैजिकली भी कलेजी को फौरन से बना लेना अच्छा, चाहिए। अच्छा। कलेजी आपको रखनी नहीं चाहिए, उससे बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर थोड़ा सा तो बताना। श्योर श्योर, ऑफ कोर्स, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आज हम मटन की कलेजी बनाएंगे। मटन की कलेजी है हमारे पास और इसको हम बारबेक्यू मीज स्टिक्स पे, बारबेक्यू मीज स्पेशली नाम इसका बारबेक्यू कलेजी है। Really? Barbecue kaleji? Wow, that would be different. Very nice. तो और उसके साथ और क्या बन रहा है हमारे साथ? जी obviously beef की एक डिश रखनी थी, तो हम सीख कबाब, वही जहाँ barbecue की बात आती है वहाँ सीख कबाब नंबर वन पे आते हैं। नंबर वन पे आते हैं, सीख कबाब के बगैर वो ईद ही नहीं लगती, नहीं लगती, और barbecue तो लगता ही नहीं है। और पता है अगर आपको ये ईद उल अज़हा की टेबल पे चिकन हो ना, तो मैं कहती हूँ व्हाई चिकन? ऑफ कोर्स। इसकी क्या जरूरत थी, इस ईद में क्या जरूरत थी? तो ये ईद जो है ना, ये सारी जो है वो रेड मीट के बारे में है। बिल्कुल। और रेड मीट के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो आयरन, हमारा जो बॉडी में आयरन होता है, मोस्टली लोगों में डेफिशिएंसी हमारी फीमेल में खास तौर पर ज्यादा होती है, तो आयरन डेफिशिएंसी होने से रोकता है, आपका आयरन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत विटामिंस हैं, तो इट्स एक्चुअली प्रीटी हेल्दी। हाँ, लेकिन थोड़ा कंट्रोल से खाना, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा इश्यू है तो कंट्रोल में खाना, क्योंकि 3-4 दिन तो हम खाएंगे इसे रेड मीट ना, उसके बाद आप थोड़ा सा जो है वेजिटेबल पे आ जाएं, फिर चिकन ले आएं और फिर आप गैस दे के रेड रेड मीट आप खाते जाएं जो आपने अपने फ्रीजर में रखा है। एग्जैक्टली। तो हम कैसे स्टार्ट करें फातिमा? हम जो है सबसे पहले मैरिनेट करेंगे, मैरिनेशन का अमल है। सबसे पहले जैसे आपके पास कलेजी आ जाए, एक्चुअली मैं घर से मैरिनेट करके लाई हूँ पहले ही, क्योंकि इसको टाइम लगता है, 2-3 आवर्स आपने देने हैं मैरिनेशन के लिए। कि मैरिनेट करके फ्रिज में रखने वाला सीन है कि मैरिनेट करके बस ऐसी बाहर रखते हैं? क्योंकि देखिए बकरा ईद पे सबको भूख लगी होती है, सबसे पहले कलेजी आ जाती है। नहीं करता ना, तो कहते कलेजी भूनो, फौरन भूनो, इसलिए तो बस ये ख्याल करें कि थोड़ा सा टाइम दे दें मैरिनेशन के लिए ताकि वो गल जाए, वरना वो जब नहीं गलेगी तो फिर सब कहेंगे कच्चा खाना बना। इसलिए हम पहले मैरिनेट उसको बात कर रही हूँ, बकरा ईद में वैसी भूख बहुत लग रही है, सब चीजों में सबको और सबको लग रही होती है, काम बहुत सब लोग कर रहे होते हैं ना, कसाई भी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हैं, किचन में सारा दिन औरतें लगी रहती हैं, दिमाग में भी तो हमारा एक सेंटर है जिसको पता है कि अभी कुछ आने वाला है, कुछ बनने वाला है, और जो आदमी होते हैं वो अलग बिटॉट हुए होते हैं, वो कहते हैं हमें खाना चाहिए, हम काम करवा रहे हैं, इसलिए जरा ख्याल करना पड़ता है कि खाने में ऐसी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो। हाँ, वो कहते हैं बाहर मैं गोश्त कटवा रहा हूँ, तुम इतनी देर में कलेजी भून लो बेगम। तो यहाँ कलेजी भूननी नहीं है हमने, यहाँ हमने कलेजी सीखो, यहाँ हमने सीखो पे बना ली है। अच्छा ठीक है, तो इसलिए जो है मैं ये करके लाई हूँ, तो अभी आपने ये इस तरह से पीसेस जो है ये ठीक है, ब्लड पूरा ड्रेन होने दे, बिल्कुल इसको ड्राई कर बताएंगे, बिल्कुल हाँ ब्लड पूरा ड्रेन होने दे, बिल्कुल ड्राई होने दे, उसके बाद आप इसे मैरिनेट करेंगे। तो इसके अंदर मैरिनेशन के लिए बहुत आसान है, मैं इसको इधर कर दूँ,
जो है बहुत आसान से मसाला जात हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले आपने लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 चम्मच, आप अपने टेबल स्पून क्योंकि देखिए जरा महक थोड़ी है ना, तो इसकी वजह से तकरीबन 1.5 चम्मच आप इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। सही, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, वैसे बड़ी मज़े की बात है, कुछ लोग कहते हैं ना कि वो बकरा ईद में जब वो गोश्त खाने लगते हैं तो उनको उनके बकरे की आवाज़ आती है अंदर से, गाय की आवाज़ आती है, कलेजी इज़ वन थिंग जिसमें कोई आवाज़ नहीं आती। अच्छा कलेजी इज़ वन थिंग, बातों का मैंने देखा है कि गोश्त भी हिल रहा होता है, कुछ फ्रेश मीट जो होता है वो भी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखा है हाँ, शायद वो थोड़ा सा उसमें होता होगा, तो वो ऐसी बात है। तो ये इसको हमने डाल दिया, अब इसके अंदर हमने नमक डालना है, ठीक है। अच्छा, नमक भी आपने अपने हिसाब से डालना है एज पर टेस्ट, क्योंकि आप कुछ ज्यादा नमक खाते हैं कुछ कम डालते हैं, तो नमक कम ही खाना चाहिए। जी, नमक कम खाना चाहिए, तो इसके हिसाब से मैं इसमें 1 चम्मच जी बिल्कुल, सब लोगों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। हम ये कितने ग्राम कलेजी है बाय द वे? ये तकरीबन 2 कलेजियां हैं, ये 2 कलेजी, ये आप समझ लें कि 600 ग्राम की है, ठीक है। तो इसके अंदर अब आप 1 चम्मच नमक डाल दें, लाल मिर्च एज पर टेस्ट, वही आप जितने मिर्चे खाते हैं एग्जैक्टली उस हिसाब से, ठीक है। और काली मिर्च पाउडर, ठीक है। अच्छा, लाल मिर्च भी, काली मिर्च पाउडर भी, स्पाइसी थोड़ा, हां तो आधा चम्मच, खारा नहीं होगा, मजा थोड़ी आएगा, आधा चम्मच नजर देख के डालिएगा, बिल्कुल बिल्कुल हमारे सिस्टम में चले गए तो बहुत। और जीरा पाउडर लेना है थोड़ा सा मींस आधा चम्मच जीरा पाउडर, ओके। और ये है जी हमारा धनिया पाउडर, भी आपने आधा चम्मच डालना है, ठीक है। धनिया पाउडर से ना वो स्मेल एक बड़ी किल हो जाती है इसकी, जो कि बड़ी अच्छा है, बट आई पर्सनली लाइक धनिया पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। अच्छा, लाल मिर्च जो डाली है हमने, थोड़ी सी हमने पिसी भी डाली है, पिसी भी डाली, मैं कुछ भी डालूंगी, देखिए मेरी मैरिनेशन में आपको नजर आ रही होगी, कुछ भी एग्जैक्टली, ये भी आप एज पर टेस्ट डाल लें, कुछ लोगों को एसिडिटी होती है इसकी वजह से, अब आपकी मर्जी है, आपने डालनी है तो आप डालें, अदरवाइज इससे मैं पहले इंटीमेट कर रही हूँ कि कुछ ही लाल मिर्च से एसिडिटी इससे होती है, ओके जी, ओके। अच्छा, वैसे भी अगर आपको एसिडिटी है तो आपको स्पाइसेस वैसे कम खाने हैं। अच्छा, और ये मेथी है, मेथी जो आपको पता कलेजी में आपने कभी खाई हो तो बहुत मेथी हर डिश का जो मैं कहती हूँ ना, एक मिरेकल इंग्रेडिएंट जो होता है ना, वो मेथी होता है, सीरियसली कुछ डिशेज में होता है वैसे, जैसे कि मैं तो हर चीज में मसाला उसकी खुशबू जो है, एक ये कड़ी पत्ता, दो चीजें जो है ना मुझे डिश में बड़ी पसंद है। ये भी हमने 1 चम्मच डाला, ये भी हमने 1 चम्मच डाला है, साथ साथ हम बातें करते जा रहे हैं, आप लोगों को बता नहीं रहे, आप लोग जो है आप देख लें प्लीज, साथ साथ हम लोग की बातें ज्यादा चल रही होती है, आप लोग साथ साथ रेसिपी फॉलो करें। वैसे तो मैं आपको रेसिपी कार्ड एट द एंड दिखाऊंगी, लेकिन अभी आप ये रेसिपी जो है ये किस तरह बन रहा है ये फॉलो करते हैं, बस इसमें ये बहुत ईजी है, ये देखें हमने इसको मैरिनेट कर लिया है, अब ये जो है आपने इसको तकरीबन 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे, वैसे परफेक्ट टाइमिंग जो है वो 3 आवर्स की है। अच्छा, लेकिन अब आपने जल्दी करना है, ओहो, तो yes, एक से डेढ़ घंटा भी आप रख सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल भी डालना है, अच्छा, क्योंकि इसको आपने सीखों में लगाना है तो थोड़ा सा ड्राइनेस हो जाएगा, थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल अपने हिसाब से आप डाल लीजिए, कितना डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के हिसाब से, इसमें 1 टेबल स्पून ले लें, बस ऑलराइट, दिस शुड बी इनफ आई गेस। तो ये जो है इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया, सही, तो अब ये हमारी कलेजी जो है वो मैरिनेट हो गई है। जितनी देर आप मैरिनेट कर रही हैं, हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, आपने कहीं स्विच नहीं करना है, हम बना रहे हैं बारबेक्यू कलेजी, विल बी राइट बैक। लज्जत और इसकी खुशबू इतनी मजे की आ रही है कि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, आप अंदाजा लगाएं जो बकरा ईद पे सबका मुंह से हाल होता है, सही, और उनको खुशबुएं जाएंगी जब इतनी मजेदार आप इसी रेसिपी से अगर फॉलो करेंगे। राइट, हम दोबारा बता दें कि हम बना रहे हैं जी बारबेक्यू कलेजी, विच इज हम लोग भूनते तो बहुत है, भून भून के बहुत खाते हैं इसको, कटाखट में भी डाल लेते हैं, बट बारबेक्यू कलेजी इज अ डिफरेंट थिंग, हमारी रवायती डिश में आता है। तो आज ये बन रही है और ये मैरिनेशन समझे हो गई है, क्योंकि हमने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेशन के लिए, इसको अब हम इस तरफ कर देंगे पीछे और ये हम आगे ले आएंगे, सही। और अब हम ये नेक्स्ट स्टेप हमारा है, इनको सीखों के ऊपर हमने, अच्छा, इनको सीखों में परोना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा ओके थोड़ा सा ऑयल मुझे अलग से चाहिए होगा आपको, मैं क्योंकि हम आपको अभी ऐसा ऑयल देते हैं कि आप आराम से काम कर लेंगे। बस 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 तो सीखों के ऊपर लगाने से पहले आपने अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेनी है इस तरह से। तो अभी हमने इसको ऑयलिंग कर ली अपने हाथों को और अब हम एक एक करके इसको सीख में पिरोएंगे। राइट अच्छा ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने अवॉइड ही करना है तो आप ग्लव्स पहन लें। बिल्कुल बिल्कुल मैंने ग्लव मैं भूल गई एक्चुअली लाना। नायलॉन के जो ग्लव्स हैं वी कैन बिल्कुल कर सकते हैं बहुत। और आजकल तो कोविड की वजह से हर एक के घर में ग्लव्स होते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है बिल्कुल दोनों काम हो जाएंगे। फिर आपके नेल भी बच जाएंगे। और जी तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा गैप दे के रखना है। गैप दे रहे हैं जी। अच्छा बीच में हम वो उसके टमाटर प्याज इट्स अप टू यू नहीं मतलब वो एक शैस्लिक स्टिक जैसी बनती है ना। बहुत हरियाली सूझ रही है ईद के टाइम के ऊपर जब बकरा ईद पे भूख लगी होती है तो सब जा रहे होते हैं पता क्या होगा जब सब खा रहे होंगे ना वो टमाटर प्याज और सब साइड पर पड़ा होगा और गोश्त बस खाया जा रहा होगा इसलिए। राइट और ये आपने जो है ना इसको बहुत देर मैं आपको कहूंगी कि आप इसको बहुत देर नहीं रखिएगा। दो मैरिनेशन के लिए येस इट्स इम्पोर्टेंट बट बहुत देर तक नहीं रखिएगा। कलेजी देर से रखे नहीं खाई जाती कभी भी। कलेजी फ्रेश फ्रेश बनती है और ये बारबेक्यू होने वाली है। ओह माय गॉड दिस इज अ डॉक्टर स्पीकिंग राइट नाउ। नहीं साथ साथ बताते रहना चाहिए ना थोड़ी इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन पीपल शुड नो इट। वैसे तो हमारे यहाँ खवातीन माशाल्लाह वैसे भी बहुत शार्प हो गए हैं सब माशाल्लाह उनको पता चल गया है सब और आना भी चाहिए सब बताना चाहिए बट दिस इज वेरी नाइस। अच्छा मुझे थोड़ा सा बात में अपने बारे में भी बताइए। पहले आपने बताइए आपकी सीख पूरी ये बस आप देख लें कि इतने हिसाब से ये एक आपने पूरी एक सीख कर ली। सही अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और भी बातों बातों में लगा दूं। हाँ 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 बातों बातों में लगा जी बिल्कुल। मैं इसको कोयले पे लगा दूं। बिल्कुल लगा दें कोयले पे। अब मैं मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस है कोयले का लेकिन मैं फिर भी लगा देती हूं। थोड़ा सा इस पे ऑयल रख कर लीजिएगा। सही थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल का ये डाल देती हूँ। आप अपनी सीख बनाइए। जी जी मैं बना रही हूँ। मैं इसको हम साथ में इसको भून रहे हैं और जी ये कोई इम्तिहान है आपका कोयले के पास खड़े होना ईद वाले दिनों में ये आपका इम्तिहान है। इसके बाद खुल जाएंगे आपके फेस के पोर्स। आइसिंग ज़रूर कर लीजिएगा बट आई थिंक जब आप ये खाएंगे ना अब मैं आपको क्या बताऊं आप कैमरे में आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि खुशबू कैप्चर हो जाए। अगर खुशबू कैप्चर एंड टेस्ट एज वेल या खुशबू एंड टेस्ट आई थिंक देयर विल बी अ टाइम कि हम कैमरे के अंदर हाथ डाल के कुछ मतलब टीवी के अंदर हाथ डाल के कुछ निकाल यू नेवर नो। लेकिन अगर आप सिर्फ ये स्मेल कर सके जो इस वक्त मैं स्मेल कर रही हूँ माय गॉड दिस इज आउट क्लास दिस इज लवली। और ये हमारी दूसरी सीख भी साथ साथ बन रही है। अच्छा मुझे बताइए थोड़ा सा फातिमा अपने बारे में बताइए आपको कुकिंग का शौक है या मजबूरन सीखी या क्या हुआ आपके साथ? मजबूरन तो नहीं सीखी। देखिए जो जमाने से हम बिलोंग करते हैं हाँ, तब तो मैं 15 साल की थी तो मैंने 15 साल में खाना पकाना शुरू कर दिया था। अच्छा और लकीली मुझे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में एडमिशन मिल गया मैट्रिक के बाद। तो आपको पता है कि वहाँ पर तो मजबूरन ही हो जाता है खाना पकाना फिर तो एग्जाम आ जाता है ना फिर तो करना ही है। मेरी स्पेशलाइजेशन भी फूड एंड न्यूट्रिशन से है। मैंने ग्रेजुएशन फूड एंड न्यूट्रिशन से की है कराची राणा लियाकत अली खान गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से। उसके बाद जो है आई नेवर स्टॉप्ड। वैसे जिस खाने में आपका आपके वो दिल वाली वो प्यार डला होता है ना उस खाने को बनाने में भी मजा आता है और खाने में भी मजा आता है। ये हमारी सेकंड ये हमारी सेकंड सीख भी रेडी हो गई है और ये भी इसमें भी थोड़ा सा ऑयल ये तो जबरदस्त बन रही है। हमारी और सीखें भी रेडी हो गई है जी साथ साथ और हम उनको भी फौरन रख देते हैं। कपड़ों का बहुत ध्यान रखिएगा कपड़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। ये हम लोग तो आपको पता है टीवी की वजह से इतने तैयार हैं लेकिन जब खवातीन किचन में जाती हैं तो प्लीज ये दुपट्टा अपना मैनेज करें बल्कि मैं तो कहती हूँ दुपट्टा आपका किचन में नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े स्लीव्स भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए कि हमारे पास अगर हम इसको ये तो हम आउटडोर कर रहे हैं हमारे पास अगर किचन वाली फीलिंग हो तो किचन में हम इसको बारबेक्यू कैसे करेंगे? किचन में अब देखें डिपेंड करता है उनके पास अगर चूल्हा ऐसा है वरना लोगों के पास बहुत अब तो आ गए लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हाँ अब तो आ गए तो वो चूल्हे के ऊपर भी कोयले रख के कलेजी को भून सकते हैं ओके और फिर वो दम दे सकते हैं कोयले का इफेक्ट लाने के लिए कोयले का इफेक्ट दम दे दें। अच्छा मुझे लग रहा है ये वाली सीख जो है ना ये अप्रोक्सीमेटली रेडी हो चुकी है। ये रेडी हो चुकी है। All right, फातिमा मुझे लग रहा है काफी हो गई है ये। जी ये सब रेडी है। अब मैं हाँ इसको साइड पे रखती हूँ आप तब तक सीख कबाब की तैयारी करें। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।
Alright जी, welcome back to रिवायतों की लज़त ईद स्पेशल। और हमारी कलेजियाँ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बारबेक्यू हो गई, बल्कि बड़ी अच्छे से हो गई हैं, और हमारे सी कबाब जो है वो रेडी हैं। लेकिन ये रेडी कैसे हुए, इसकी मैरिनेशन क्या है, ये अभी बताएंगी फातिमा। फातिमा प्लीज आप बताइए कैसे बना। तो मेन पॉइंट है ऑब्वियसली, ऑब्वियसली आप पहले सारी रख लें। हाँ, मैं पहले आपको देती जाती हूँ, आपकी हेल्प करती हूँ। सही, आप मुझे देती रहिए और बताती जाइए कि क्या क्या आपने इसमें डाला है। अच्छा, ये जो है मैं पहले से करके लाई थी, वो भी उसी तरह से ऐसे कलेजी थी। तो आपने कीमा लेना है आधा किलो, सीख कबाब के लिए मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। आधा किलो कीमा आप ये देख रहे हैं इस वक्त, आधा किलो कीमा। अब इसके अंदर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी। ये कीमा मटन, मटन कीमा नहीं, बीफ कीमा, बीफ कीमा के सीख कबाब है ये, वो मटन की कलेजी है, बीफ के सीख कबाब है। अच्छा, तो ये मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी, आपने ये इसके अंदर डाल के और इस तरह से कबाब बनाने। बहुत इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। सूखा मसाला जो है ना, वो भी हमने इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं था, तो मैंने वो ग्राइंड कर लिया था। तो सूखे मसाले के लिए आपको जीरा चाहिए, ये चने चाहिए, ये मैं एज पर हिसाब किताब के आपको बता रही हूँ, और दालचीनी चाहिए, लौंग चाहिए, और साबुत काली मिर्च, ये रही साबुत काली मिर्च, ये साबुत काली मिर्च चाहिए, कबाब चीनी, वो भी मैं ला नहीं सकी लेकिन मेरे मसाले के अंदर रेडी है, पीसी हुई है, और अदरक लहसुन पेस्ट। ये सब आपने, ये जो सूखा मसाला है ये आपने फ्राई पैन पे इसको थोड़ा सा आपने भूनना है, और उसके बाद उसको आपने ग्राइंडिंग ग्राइंड फॉर्म पे ले आना है इस तरह से। ये सूखा मसाला आपने अलग से बनाना है। सही, ये तो जबरदस्त बन रहे हैं जी। आप इनकी मैरिनेशन बता रही हैं और यहाँ ये अप्रोक्सीमेटली बन के तैयार होने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा जो है, अब आपने कीमे के अंदर जो चीजें डालनी है, वो जो मसाला हमने ग्राइंड किया है वो डालना है, अपने हिसाब से डालिएगा, तकरीबन एक टेबल स्पून डाल दें। आप ये बताती रहे, हम रेसिपी कार्ड की तरफ चलें। जी बिल्कुल, आप रेसिपी कार्ड, बिल्कुल रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। इतनी देर में हमारी सीखें रेडी हो रही हैं, आप रेसिपी कार्ड को जल्दी से नोट कर लीजिए। बीफ सीख कबाब, एक किलो कीमा, एक दरमियाना प्याज पिसा हुआ, एक दरमियाना प्याज कुटा हुआ, चार हरी मिर्चें, एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टी स्पून पपीते का पेस्ट, एक गट्टी हरा धनिया, आठ इलायची, एक टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, चार टेबलस्पून बेसन, एक अंडा, दो टेबलस्पून पाउडर दूध और दो टेबलस्पून कोई भी कुकिंग ऑयल। एक प्याले में कीमा और सारे अज्जा को मिला लीजिए और हाथ से 5 से 10 मिनट तक गूंद के 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अब दोबारा इसको गूंदें, थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेकर सीख पर लगाएं। ये सीख कबाब पहले 1 मिनट के लिए रोस्ट करें और बाद में थोड़े से तेल में फ्राई कर लें। बारबेक्यू कलेजी, कलेजी छोटे क्यूब्स में कटा हुआ 250 ग्राम, अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, प्याज का पेस्ट 1 टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, जीरा पाउडर आधा टीस्पून, कुटा हुआ हरा धनिया 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, अजवाइन आधा टीस्पून, नमक हस्बे जायका, कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल कलेजी को पकाने के लिए। एक प्याले में अदरक लहसुन कलेजी क्यूब्स प्याज पेस्ट डालकर मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दें। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स दही के साथ मिला लें। अब दही का मसाला और मैरिनेटेड कलेजी को मिला लें और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। ओवन को प्रीहीट कीजिए 150 डिग्री तक। अब कलेजी को सीखों पर पिरोएं, रोस्ट, ग्रिल या बेक करें 10 मिनट तक, फिर हल्का सा तेल लगा के इसको पकाएं और सलाद के साथ सर्व करें। वेलकम बैक फ्रॉम रेसिपी कार्ड। आई होप आपने इंग्रेडिएंट्स अच्छे से लिख लिए हो, अगर कोई मिस हो गया हो तो भी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जी फातिमा, आप बता रही थी मैरिनेशन के लिए आपने क्या क्या। हाँ, मैरिनेशन के लिए मैं आपको बता रही थी कि ये अमूमन देखा गया है कि ये टूट जाते हैं कबाब। हाँ ना, तो लोग कहते हैं ये सिर्फ ऐसे लगे हुए, तो मैं हैरान हूँ। देखिए आप, पानी भी टपक रहा है, कितने रेडी हो गए बिल्कुल। तो आपने स्लाइस लेने हैं, तकरीबन 2 स्लाइस ले लीजिए। ओके, 2 स्लाइस उनको भी आपने, अभी मेरे पास मशीन अवेलेबल है, हम बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं। हमने इसमें से जरा डाल के तोड़ के इस तरह से, ये सारा कीमा आपने अलग से
चॉपर में पीस लेना है। सही। और ये मतलब अंडा भी डालना है। अच्छा, ये सब बाइंडिंग एजेंट्स है ना, ये कबाब नहीं टूटने देंगे। जी बिल्कुल। ये देखिए, मुझे लग रहा है सी कबाब काफी काफी रेडी हो चुका है। आप उसको थोड़ी सी, आई थिंक मुझे इसको यहाँ से पकाना पड़ेगा। अब आपने इसको ग्राइंडर में पीस लेना है और वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। और सीख पे लगा के, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सीख पे लगाया, हमारी सीख अप्रोक्सीमेटली रेडी है। सीख पे लगा के और आपने इसी तरह से बारबेक्यू कर लेना है। फातिमा, ये काफी काफी हो गए हैं, बल्कि इनफैक्ट हो ही गए, लेकिन कितना खूबसूरत इसका रंग आ गया। बिल्कुल, अब इसको ना डिश आउट कर ले। हाँ, हम इसको डिश आउट करेंगे, क्योंकि मैं खाने के लिए, जो मुझे कुछ हो रहा है, जल्दी से कीजिए। अच्छा, इसको निकालने की भी एक ट्रिक है कि निकालते हुए ना टूट जाए, ये भी आप थोड़ा सा बता दीजिए फातिमा। ये निकालते हुए अक्सर सीख से निकालते हुए टूट जाते हैं। देखिए, कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो हाथ से ही निकाल लेते हैं, जैसे हमारे बारबेक्यू बनाने वाले, लेकिन लेकिन आपको ख्याल करना है आपका हाथ ना जले। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। मैंने ये चिमटा ले लिया है, आप अपनी कपड़ा भी ले सकते हैं, कपड़े से भी आप निकाल सकते हैं। और ख्याल ये करें कि स्पीड में निकालिएगा। बिल्कुल, ऐसे स्पीड में निकालेंगे तो नहीं टूटेगा, रोक रोक के निकालेंगे तो टूट सकता है। जी, ये काफी एक्सपीरियंस है मुझको, इसलिए जबरदस्त। ये देखें। अच्छा जी, अब हम इस तरफ आए, आप उठाइए जी, हम निकालते हैं जी। ये तो बिल्कुल ही टूट गया मुझसे। ऐसा भी होता है। देखिए, अब ये ट्रिक है, ये आपको करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम उसी को साजे। अच्छा, बोटियां नहीं टूटेंगे, लेकिन सी कबाब टूट सकता है बहुत। थोड़ा सा इसके लिए तो ये अलग-अलग करके कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये देखिए सरासरा करके। राइट, ये देखिए। अच्छा, बहुत हमने टाइटली इसको पैक कर दिया कि गिर ना जाए हमारे कोयलों के ऊपर, इसलिए खुशबू सूंघने वाली है इस तक। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। मेरे ख्याल में इस बकरे की आप ही घर जाके, ये तो अब मेरे जो बारबेक्यू पार्टी हो रही है, मुझे ये दोनों चीजें जो है उसमें बन रहे हैं, फॉर श्योर शॉट बन रहे हैं। इसको भी निकाल लीजिए जी। ये अच्छा, मैं पहले इसको, मैं इसकी बोटियां निकाल लेती हूं, आप उसको निकाल लीजिए। ओके, अब ये बोटी आपने एक एक करके निकालनी है। वैसे तो हम जो यूजली घर में जो लकड़ी के स्टिक्स यूज करते हैं, हम वैसे ही सामने रख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम सीख इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोटी साथ साथ निकाल रहे हैं। और ये जी हमारी कलेजी इज, वाओ, कलर चेक करें आप इसका, जबरदस्त कलर, वेरी नाइस। सीख कबाब से शुरू करते हैं और थोड़ा सा टेस्ट भी करते हैं कि कैसे बना। और ओके, लेट मी ट्राई। स्पाइसी एंड यमी। अच्छा, कुछ लोग चटनी भी इस्तेमाल करते हैं, आप चटनी भी ले सकते हैं, चटनी के साथ हस्बे जायका हरी चटनी, या कम्प्लीटली अप टू यू। इसके साथ इमली की चटनी भी यूज होती है, टमाटर की चटनी लाल चटनी भी होती है, केचप भी होती है, और मियो गार्लिक का जो एक वो बनता है वो भी होता है, वो भी होता है आजकल। आप इसके साथ अल्लाह मुझसे बोला अभी नहीं जा रहा कि इतना मजे का है, आई कैन टेल यू। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बारबेक्यू तो हम सभी के घरों में अप्रॉक्सीमेटली होता ही है, तो आप लोग इन्जॉय कीजिएगा और हमको इजाजत दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, वेरी लवली रेसिपी, सो नाइस, लवली रेसिपी, नाइस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे भी बड़ा मज़ा आया आज। एंड वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।